एक और प्रमेय है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जो प्रमेय है आपके, यदि किसी त्रिभुज की, ये है त्रिभुज ए बी और सी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बहिष्कोण का या एक्सटीरियर एंगल क्वेश्चन आ सकता है कि हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के अंदर बने दो कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे कोण के बाहर बने बहिष्कोण के बराबर होता है। तो पूछ सकता है ऐसा कि त्रिभुज के अंदर बने दो कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे कोण के बाहर बने बहिष्कोण के बराबर होता है, ये करना है हमें सिद्ध, हमें करना है सिद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंगल नंबर वन प्लस एंगल नंबर टू का वैल्यू फाइंड करना है, एंगल नंबर फोर ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लगाएंगे नंबर थ्री, नाव या फिर लिखो उपपत्ति। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इजिकल टू होता है 180। कारण है आपके प्रमेय नंबर 6.1, या लिख सकते हो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ट्रायंगल ऑल आर ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 होता है, या तो ये लिखो या लिखो प्रमेय नंबर 6.1। अब ये वाला 3 और 4, एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4 को ऐड करने पर भी क्या आता है 180, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है 180। स्ट्रेट लाइन है परंतु इसमें आपके दो एंगल ही है तो लीनियर पर हो जाएगा, मतलब के रेखिक कोण युग्म, या लिख सकते हो आप लीनियर पेयर जोड़ा ये दोनों का जिनका योग 180 हो। अब ये प्लस का है, इसका वैल्यू भी कितना है 180 और इसका वैल्यू क्या है 180, ये और ये बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, हम यहां लिखेंगे समीकरण नंबर एक व दो से ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर। एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इसका वैल्यू है 180 और एंगल थ्री प्लस एंगल फोर का वैल्यू भी है 180, तो दोनों क्या हो गए आपके बराबर, इसका वैल्यू 180 इसका वैल्यू भी 180। एंगल थ्री से एंगल थ्री कैंसिल तो आ गया है एंगल वन प्लस एंगल टू इजिकल टू हो जाएगा एंगल फोर। इति सिद्धम्।